नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कर्म फल की मान्यता क्यों है? भारतीय संस्कृति में कर्म फल के सिद्धांत को विश्वासपूर्वक मान्यता प्रदान की गई है। मनुष्य को जो कुछ भी उसके जीवन में प्राप्त होता है वह सब उसके कर्मों का ही फल है। मनुष्य के सुख दुख हानि लाभ जीत हार के पीछे उसके कर्मों को आधार माना गया है। कर्मफल भोगने की अनिवार्यता पर कहा जाता है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी कर्मफल भोगे बिना मनुष्य को कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। वह शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म करता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही बात शिव महापुराण और महाभारत के वन पर्व में भी कही गई है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए कर्म फल रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। मनुष्य का किया हुआ यत्न फल लाए बिना नहीं रहता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को भगवान की कर्म मर्यादा का बोध कराते हुए कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात विश्व में कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। दुनिया में कोई किसी को न दुख देने में समर्थ है न सुख देने में। सभी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ज्ञानी ध्यानियों, महाराज धीराजाओं, पराक्रमियों, बड़े बड़े सम्राट महापुरुषों, बलशाली व्यक्तियों को भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण हुआ। महाबलशाली भीम को रसोईया बनकर नौकरी करनी पड़ी। महाप्रतापी सम्राट नल को अपनी प्राण प्यारी पत्नी दमयंती को वन में अकेला छोड़कर राजा ऋतुपर्ण का कोचवान बनना पड़ा। महाराजा हरिश्चंद्र को शमशान में चांडाल की चाकरी करनी पड़ी। महारानी द्रौपदी को सैरंधरी बनकर रानियों की सेवा करनी पड़ी। महाप्रतापी गांडीवधारी अर्जुन को वृहनला बनकर हिजड़े के वेश में विराट राज की कन्या को नृत्य सिखाना पड़ा। ये सभी चीज़ें कर्मों के फल को दर्शाती हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।